मुझे अब फील हो रहा है कि कुछ तो बनाऊं मैं, जो ये कैमरे ने इतने सारे अपनी मम्मी को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, अभी मैं मिला उनसे तो बहुत वैसी वाली फीलिंग आई कि अब मैं जल्दी से घर जाऊं, मम्मी के पास रहूं। हाँ, मेरी टीम में तीन बंदे हैं, तीनों मेरे से कम है एज में, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, एक महीना लग के, वो मैंने देखी फ़ोन में चेक करके, तो बहुत थैंक यू उनको, अलग पैसे दूंगा उन्हें, 25 लाख जीता हूँ ना उसमें से पैसे दूंगा। एल्विश, अभिषेक और आप दोनों सलमान के साइड में थे जहाँ पे यू नो विनर अनाउंस किया जाने वाला था, आपने घर के अंदर कहा था अगर मेरे पास मौका मिला तो मैं अभिषेक को जिताऊंगा, लेकिन जब अभिषेक का हाथ एक पल पर सलमान मैं मेरा ऐसा ही है, अपना नुए घबराता रहता हूँ मैं ना, वो तो हुआ था कि अरे क्या हो गया बट हाँ अगर सही में मौका होता मेरे पे तो मैं देता, पक्का देता। एक पल के लिए आपने कहा था अगर मैं ट्रॉफी नहीं जीतता हूँ तो अभिषेक आप जीतना चाहिए, भाईचारा में आप काफी मानते थे, ये जो पल है जो आप दोनों थे वो पल कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था, कितना आपके दिल के करीब रहने वाला है वो पल, जब सलमान सर आपका नाम कभी ले रहे थे, कभी अभिषेक का नाम ले रहे थे, वो पल कितना इंपॉर्टेंट था एल्विश आपके लिए? मेरी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी, मैंने सलमान भाई का हाथ यहाँ भी लगाया कि बार चेक करो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा ये मत करो, तो बहुत जो वो वाला ऐसे होता ना उसमें धड़कन मेरी लिटरली बहुत तेज हो गई थी, बट कहीं ना कहीं मुझे अंदर से पता था कि कुछ तो सलमान भाई क्या कर रहे हो और लाओ एल्विश एल्विश इन प्रीवियस वीडियो आपने जब YouTube में आपने कई सारे वीडियो जी जहां पर आपने सलमान सर को टारगेट किया, बट अरे क्या बोल रहे हो तुम, आपने टारगेट किया है आपने यार, वो मेरा पुराना टाइम था, मैं बता तो रहा हूँ, वो खुद ध्रुव राठे ने इसके बारे में कहा है। अरे ध्रुव राठे को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ वो मैं रोस्ट करा मैंने एक टाइम पे, आई एग्री कि मैंने करा, बट जैसे आज मैं पहली बारी मिला उनसे काफी अनरियल, मतलब मुझे लगा कि यार ये कौन है, मतलब पास से पहली बारी मैंने देखा, मूवीज में ही देखा मैंने आज तक, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी और उन्होंने ऐसा डिसकंफर्ट भी फील नहीं होने दिया, मतलब बहुत कंफर्टेबली बात भी करी उन्होंने कि चिल मारो, ज़्यादा मत सोचो, और फिर हाथ पकड़ा उन्होंने, गले भी लगाया दो तीन बार, तो काफ़ी अच्छा था। एल्विश जो आपने बातें की, जो जिया को लेके बातें हुई, जहाँ आपने कहा कि हमें पानी पिलाना धर्म है, उसमें काफ़ी रील्स बनी है, काफ़ी लोगों ने प्यार किया, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, वो बात को लेके क्या कुछ कहना चाहूँगा? नहीं, डेफिनेटली बहुत सही बात बोली थी मैंने कि हमारे में नहीं सब में, कि अगर कोई पानी पूछता है तो उसको पानी पिला देना चाहिए, या फिर अगर नहीं पिलाना तो मना कर दो, बट अगर पिला दो तो धर्म होता है। उसने बहुत गलत चीज़ करी, साबुन का पानी मेरे को पिलाया, तो वो काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते थे उससे, और बुरा भी लगा मुझे कि यार मैंने प्यार से मांगा था, मैंने गुस्से से भी नहीं मांगा, मैंने बोला कि एक बार पानी पकड़ा दो, तो उसने वो चीज़ करी तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। घर के अंदर मनीषा ने आप पर बहुत ट्राई किया, जिसके बाद आपने एक ही बात कही है कि मेरा रिश्ता बाहर खराब नहीं करना चाहता हूँ, अभी आपने बात किया सब ठीक है या फिर कुछ खराबी हुई? नहीं, अभी मैंने कोई बात नहीं करी, बट मैं अभी करूँगा, चेक करूँगा कि ब्लॉक तो नहीं हूँ मैं। और मनीषा के साथ क्या चांसेस? नहीं, दोस्त है, उसको भी पता है, मुझे भी पता है। एक तो आप सबको देख के, इतने सारे लोग को देख के मैं काफ़ी ओवरवेल्म्ड हूँ, इतना प्यार, माय गॉड, मेरे को आई थिंक ये सारे फिल्म छोड़ के बिग बॉस पहले करना चाहिए था, बट आई थिंक के मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि मैं तो ये कहूँगी कि आई डोंट थिंक के मेरे ज़माने के जो लोग थे, हमारे अंदर एक फीलिंग थी कि कहीं ना कहीं हम आपके कैमराज को एक लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने देते, जितना भी हम दिखाते हैं बाहर, जितना भी हम शेयर करते हैं, अभी आपको पता ही है कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ और कभी मैंने ज़िंदगी में नो कमेंट्स कहा नहीं है, मगर फिर भी एक हमारा एक लाइफ होता है जो हम नहीं लाते हैं सामने, तो आई थिंक बिग बॉस में जाके मेरा अगर एक लास्ट फिल्टर बचा था वो अब उड़ चुका है, अभी तो मैं और भी फियरलेस हूँ, और भी शेमलेस हूँ, और भी बेबाक बातें करूँगी, और भी खुलकर जिंदगी जीऊंगी। थैंक यू। व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड इट? द इंटेंशन वाज टू टेस्ट माय लिमिट्स, द इंटेंशन वाज टू सी के क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब ये ऑफर मेरे पास आई थी मेरे बहुत करीब के लोगों ने कहा कि नहीं आप नहीं जा सकते, ये आपके लिए नहीं है, आप फिल्म में काम करते हैं, आप OTT शोज कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो एक मार्क बनाना चाहते हैं, शो में जाओगी लोग खामो खाम जलील करेंगे, फॉर्मेट है शो का कि आपको जलील होके ही आना है, मैं नहीं मानती हूँ कि ये फॉर्मेट है शो का, शो आपको जलील नहीं करता है,
शो आपके सामने हमेशा एक अपॉर्चुनिटी और एक चॉइस देता है. हम अगर गिरते हैं हम खुद गिरते हैं, हम अगर जलील होते हैं हम खुद वो चॉइस बनाते हैं, और अगर हमारी उड़ान होती है वो शो का फॉर्मेट वो है. तो आई थिंक मुझे, मैं गई अंदर एक ओपन माइंड के साथ, एक ओपन हार्ट के साथ, और मेरी रीड इंटैक्ट ऐसे गई. मैं बाहर आई हूँ विथ माई हेड हेल्ड हाई, विथ माई हार्ट ओवरफ्लोइंग, क्योंकि मैंने बहुत करीब के रिश्ते बनाए अंदर. एंड आई थिंक बेबी का जो है वो तो मेरी, आई थिंक वो पूर्ण जन्म की पता नहीं क्या है मेरी लाइफ में, बट आई थिंक दैट शी इज़ द सिस्टर और डॉटर आई नेवर हैड. शी इज़ माई फ्रेंड जैड, अविनाश, एल्विश के साथ भी मेरा बहुत ही स्पेशल कनेक्शन रहा है फ्रॉम डे वन. तो आई थिंक ये 51 की उम्र में आई कैप द फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइज. सो आई थिंक दैट एज इज़ जस्ट अ नंबर. आई थिंक मेरी एनर्जी लेवल जो थी मेरे कंटेम्प्रेरी से बहुत ही ज़्यादा थी, वो जो मैंने दिखा दिया. और सफाई के मामले में मेंटल एंड फिजिकल आई थिंक मैंने काफ़ी मैनेज किया. आई थिंक मुझे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट अभिषेक ने दिया था एक्चुअली 3 या 4 दिन पहले, जब इसने कहा कि अगर आप नहीं होते तो शायद लोग और गिरते. एल्विश की जीत मेरे लिए I'm thrilled क्योंकि ये प्रूव करता है कि ये गेम जो है बहुत ही फेयर गेम है. एंड ये जो मिथ्स होते हैं ना कि अगर आप वाइल्ड कार्ड बन के आए हैं तो फिर आपका जर्नी जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है या इतना भारी नहीं है जैसे जैसे किसी ने 8 हफ्ते गुजारे हैं, ये सारे मिथ्स हैं. आई थिंक इट्स नॉट द लेंथ ऑफ योर लाइफ, इट्स हाउ यू लिव योर लाइफ. जैसे रिश्ता जो होता है क्योंकि 10 साल का है, उसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक साल के रिश्ते से. तो आई थिंक एल्विश ने ये प्रूव कर दिया है. एंड आई थिंक वो घर में एक नई एनर्जी की ज़रूरत थी जब वो आए थे. एंड आई थिंक इट्स क्रिएटेड हिस्ट्री कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हैज़ वन द शो. सो आई थिंक दैट मच टू बी प्राउड ऑफ. मगर वो घर ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया. कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट जर्नी इज़ अ जर्नी यू टेक इन टू योर ओन हार्ट. एंड आई थिंक मैं अपने खुद के दिल में गई, मैंने खुद के वीकनेसेस, खुद के स्ट्रेंथ को यहाँ से देखी. 8 हफ्ते का सफ़र उसमें आसान है नहीं, इट्स नॉट ईजी. फिजिकली बहुत ही मुश्किल गेम है. हमारे लग्जरीज होते हैं, लोग होते हैं हमें हेल्प करने के लिए, कंफर्ट जोन आपको भूलना पड़ता है. मगर उस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया. और आज जब भी मुझे वो अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट मुझे मिली, जब भी मेरे पिताजी ने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, दैट डिड नॉट मीन मच. मगर जब भी बिग बॉस ने कहा कि हम भी वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, फॉर मी इट वॉज अ विन. सो आई थिंक इस घर में जाना मेरे एज पे विद माई लाइफ एक्सपीरियंसिस और जेन्यूनली रिश्ते बनाकर बाहर आना, तो ये पॉसिबल है बिग बॉस के घर में.